हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों को भी इंतज़ार होगा हमारे ये शादी वाले व्लॉग्स का, क्योंकि वो आए नहीं थे। मेहंदी के बाद तो कोई भी व्लॉग नहीं आया, तो अब जाके सारे व्लॉग्स आएंगे, उसके बाद ही कोई लेटेस्ट व्लॉग आएगा हमारा। तो ये व्लॉग है हमारा शादी वाले दिन का। उस दिन हमारे नान के आने थे, तो हम लोग कर रहे हैं अपने नानकियों का इंतज़ार। उसके बाद लगेगी दुल्हनिया को हल्दी। तो ये जो आपने अभी ढोल की आवाज सुनी, ये हमारे यहाँ ढोल था नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे डेथ हो रखी थी, तो गाने वगैरह हमने कुछ लगाए नहीं थे, बस वही था, अपने स्पीकर पे ही बजा रहे थे हम। तो फिर वही है, ढोल की आवाज़ भी हमने अपने स्पीकर पे ही, मतलब ये जो ढोल की साउंड थी, ये भी अपने स्पीकर पे ही वो करी, ताकि कुछ तो यूनिक लगे, कि हाँ फील भी आए कि शादी वाला घर है और हमारे नान के आए हैं, उनके स्वागत के लिए हमने ये ढोल लगवाया। पहुंच चुके हैं हमारे मामा मामी और नान की गैंग सारी आ चुकी है। तो अब मम्मी ने कर दिए इनकी आरती और तिलक लगा दिए सभी को। मम्मी तिलक लगाएंगी और आरती करेंगी सभी की, तभी बारी बारी से सब अंदर आएंगे। और इस दिन पता है मामा लाते हैं हमारे तोरण और बेद, मतलब लड़की की शादी है तो मंडप जो होता है उसे बोला जाता है हमारी भाषा में बेद, और उसका जो सामान होता है वो भी मामा लाता है। और जो ये जहाँ से एंट्री हो रही है ना, अभी इनके एंट्रेंस गेट पे भी लगती है, वो तोरण लगता है यहाँ पे, वो भी मामा ही लाते हैं। और जब लड़की की शादी होती है तो मामा सिर्फ तोरण ही लाता है, बेद नहीं आती। लड़की की शादी में बेद और तोरण दोनों आते हैं। तो यहाँ पे अब जो एंट्री ले रहे हैं हमारे घर के सबसे छोटे मेहमान हैं, ये जो गोद में है ना, इनका प्यार से तो जेरी बोलते हैं, ऐसे है इनका नाम विवान, मतलब मामा का लड़का ही है। और इस बंदे ने पूरी शादी मस्त सोक एंजॉय करी। जब शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई ना, मतलब फेरे वेरे हो गए, शादी पूरी ख़त्म, तो बंदा उठ गया मज़े से, ऐसे पूरी उसमें ये सोया ही रहा, सोया ही रहा, चाहे कुछ भी रस्में हो रही थी, सारी जगह बंदा सो ही रहा था, सो ही रहा था। फिर उसके बाद शादी ख़त्म, तो ये बंदा भी उठ गया आराम से। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, मामी ने सिर पे रखी हुई है टोकरी है, तो इस टोकरी में है बबरू, और इस टोकरी को हमारी भाषा में बोला जाता है छड़ोलू, मतलब बबरू का छड़ोलू मामी लाई है हमारी। और ये चाहे लड़के की शादी हो लड़की की, मामी लाती है शादी वाले दिन, अपने सिर पे उठा के ही लाएगी और उस कमरे में रखेगी जिधर से शादी होनी है, मतलब शादी की जितनी भी रस्में हैं, चाहे वो तेल की रस्म है, चाहे हल्दी की है, चाहे शादी से रिलेटेड जितनी भी रस्में जिस रूम में होनी है उधर रखेंगी। और ये जो बबरू मामी और लाते हैं ना, इनका इस्तेमाल जो है पूजा में भी होता है, जैसे आगे प्रतिष्ठा वगैरह करेंगे ना पंडित जी, वहाँ आपको भी दिख ही जाएगा कि बबरुओं का भी इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले होएगी प्रतिष्ठा, और उसके बाद हम अपने देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। नानकियों के आने के बाद ही अब ये सारी रस्में हमारी शुरू होंगी। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगति मत्था टेक के लिए अस्मदेवताओं को
चावल फूल लिया थोड़े थाली से चावल लिया अपने फूल प्रतिष्ठा एक प्रतिष्ठा नाम प्रतिष्ठा लाई दिया तीजरा प्रतिष्ठा सुरिष्टि ताम कर दो ले दिया थालिया छड़ दिया हमारे देवी देवताओं की और कुल देवी देवताओं की भी प्रतिष्ठा करने के बाद दुल्हन को लग गई है शगुन की पहली हल्दी। और ये जो हल्दी है पहले कन्या ही लगाएगी, उसके बाद अन्य सदस्य जो घर के हैं वो लगाएंगे, सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी है वो बाद में लगाएंगे, पहले कन्या ही लगाती है उसके बाद बाकी लगाएंगे। जितनी भी रस्में होंगी ना आगे सब पहले कन्या करेगी, उसके बाद ही घर वाले करेंगे। हाथ पे लगा दो लगभग सभी ने लगा लिए पहली हल्दी, मतलब जो फर्स्ट टाइम लगनी थी, दो बार बोला था तो जो पहली बार लगनी थी हल्दी वो लगभग सभी लगा चुके हैं, और जो मिस कर गए थे वो जब अभी दूसरी बार हल्दी लगेगी वो तब लगाएंगे। तो यहाँ पे अब दुल्हन चल चुकी है, अपनी जो ये अभी हल्दी लगी उसे उसको निकालने जा रही है, मतलब जो दूसरी बार अभी हल्दी लगनी है तो उसके लिए पहली वाली को उतार रही है, तभी फिर दूसरी हल्दी से लगेगी। तो अब वही है जैसे मैंने बताया था कि कन्या का रोल कितना इम्पोर्टेंट है हमारी हर शादी में, तो यहाँ कन्या ही पहले करेगी। अब यहाँ पे हम मतलब कुछ करते हैं, इस रस्म का मेरे को भी नहीं पता, मतलब कुछ थी ये रस्म भी एक, वो जब तोरण के वहीं जाके हो रही थी, तोरण लगने के बाद ही हो रही थी ये रस्म, तोरण तो मामा ने लगाई थी ना। अगर आप लोगों को पता हो कि इस रस्म को क्या बोलते हैं जो अभी तोरण के पास करके आए हम, तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्यों मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो ये आप बताना क्या बोलते हैं और किस लिए होती है जो भी है। अच्छा जी फिर लाओ चावल को हाथ में करो, समझती तो का ध्यान करना है मतलब
तो यहाँ पे हो चुकी है अब सांध की रस्मों की शुरुआत। सांध में जो होता है नवग्रहों की पूजा ही होती है, और वो पूजा भी मामा ही संपन्न करेगा आके। ये जो हवन से देख रहे हो ना, तो वही पूजा प्रतिष्ठा चल रही है नवग्रहों की। और जो यहाँ महिला संगीत चल रहा है ना, उसमें अब तंज कसे जा रहे हैं नानकियों पे, मतलब कि वो ये जो आग जल रही है तो वो उन पे तंज कस के बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ सेकने के लिए बैठे हो, इस टाइप के बोले जा रहे हैं। सिर्फ नानकियों को ही बोल रहे हैं, अभी हम लोगों को नहीं, हम लोगों को भी पड़ती हैं इसमें गालियाँ, भाई बहन सबको पड़ती हैं, पर वो आगे आगे अगली रस्म में जैसे होती है ना, अलग अलग रस्में होती हैं जब पड़ती हैं। अभी ये नानकियों के चल रहे हैं तो अभी इनको ही गालियाँ पड़ेगी, उसके बाद जब हमारी बारी आएगी तो हमारे को भी गालियाँ पड़ती है। तो यहाँ पे सांध की रस्म हो चुकी है अब हमारी खत्म। अब बढ़ते हैं अपनी अगली रस्म की ओर। तो ये रस्म हमारी है तेल सेरेमनी चल रही है। आपकी भाषा में क्या बोला जाता है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे अब दुल्हन के सिर पे मंजरी चढ़ती है, मतलब ये जो रिंग सी देख रहे हैं आप, इसे हमारी भाषा में मंजरी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक कटोरी में सरसों का तेल होता है और ध्रुव घास से एक ब्रश बनाया जाता है जो पंडित द्वारा ही हमें दिया जाता है। तो उस ब्रश की मदद से हम इस मंजरी के बीचों बीच ही तेल लगाते हैं लड़की के सिर पर, और पहला तेल जो है कन्या लगाती है, फिर मामा मामी लगाएंगे, फिर पापा मम्मी, फिर मासी और वगैरह घर के सारे सदस्यगण जो हैं वो लगाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि शुरुआत कन्या ही करेगी, फिर बाकी सब धीरे धीरे करके लगाएंगे इसमें। और इसमें पता है दक्षिणा भी देनी पड़ती है, जिस प्लेट में तेल रखा होता है ना कटोरी में, उसके उस प्लेट में हम वो दक्षिणा दे देते हैं। उसमें आपकी मर्जी होती है आपको कितनी दक्षिणा देनी है। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय करा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।